आईपीएल में अंपायरों को लेकर बवाल छिड़ा रहता है, लेकिन इस बार का जो बवाल है वो छोटा मोटा नहीं है, बल्कि यह बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आईपीएल 2024 में बार बार खराब अंपायरिंग के चलते अब अंपायरों को ट्रोल किया जाने लगा है। कमेंट्री में बैठे हुए इरफान पठान और साथ ही बड़े क्रिकेटर भी अंपायरों की आलोचना करते हैं। ऑन फील्ड अंपायर के साथ साथ अब जो थर्ड अंपायर भी बहुत ही बड़ी गलतियां करने लगे हैं। थर्ड अंपायर के बारे में बात करें तो थर्ड अंपायर के बारे में ऐसी एक घटना कल के मैच में हुई और उस घटना के बाद में कमेंट्री में बैठे हुए इरफान पठान ने भी अंपायर को बहुत ही बड़ा बुला कहा। थर्ड अंपायर के पास बहुत सी टेक्नोलॉजी होती है, उसके बावजूद भी अगर अंपायर गलत फैसला लेता है तो उसके लिए थर्ड अंपायर जिम्मेदार है, और इस बात को लेकर इरफान पठान ने थर्ड अंपायर को बहुत ही कहा सुनी की है। बात करें कल के मैच के बारे में तो कल का मैच हैदराबाद और राजस्थान के बीच में खेला गया। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चूज करी, लेकिन हैदराबाद इस मैच में अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी, लेकिन इसके बाद भी ट्रेविस हेड ने 44 बॉलों में 18 रन की पारी खेली और साथ ही नीतीश रेड्डी ने भी 42 बॉलों में 56 रन की धमाकेदार पारी खेली। अंतिम ओवरों में नीतीश रेड्डी का साथ दिया हेने क्लासेन ने 19 बॉलों में 42 रन की पारी खेली, जिसके चलते हैदराबाद टीम इस मैच में 20 ओवर में 201 रन बना सकी। तो अब अगर बात करें थर्ड अंपायर के बारे में तो हैदराबाद की पारी के 17 ओवर में हेने क्लासेन ने 2 रन लिए। उस रन में हेने क्लासेन ने रन को पूरा नहीं किया, राजस्थान रॉयल ने स्टंप पर थ्रो मारा और रन आउट की अपील की। अब रन आउट का फैसला गया थर्ड अंपायर के पास में, लेकिन थर्ड अंपायर ने इस रन आउट को बहुत गहराई से नहीं लिया। हेने क्लासेन का बल्ला क्रीज के अंदर आ चुका था, लेकिन क्रीज के अंदर भी हेने क्लासेन का बल्ला लगभग 4 से 5 इंच ऊपर था, मतलब अभी तक हेने क्लासेन का बल्ला क्रीज के अंदर नहीं टिका हुआ था और हेने क्लासेन इस मैच में आउट थे। लेकिन इसके बावजूद भी थर्ड अंपायर ने इस बात को गहराई से नहीं लिया और हेने क्लासेन को नो आउट दे दिया, जिसके चलते हेने क्लासेन ने अगले 2 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। अब बात करें राजस्थान की टीम के बारे में तो राजस्थान की टीम की शुरुआत भी खराब रही। राजस्थान के लिए जयसवाल ने 43 बॉलों में 66 रन की पारी खेली, इसके साथ ही रियान प्राग ने भी 49 गेंदों में 56 रन बनाए। अंतिम ओवरों में रोमेन पावल ने 15 बॉलों में 27 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान की टीम यह मैच 1 रन से हार गई। हैदराबाद के लिए भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में 4 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट झटके, जिसके लिए भुवनेश्वर कुमार को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके जाएं।